इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से समझिए, हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें उसकी तीनों भुजाएं पता हो। तो इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता नहीं है, हमें उसका अनुपात पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता नहीं है तो हम इसको मान लेंगे, और इसको हम किस तरह से मानेंगे, जो हमें अनुपात दिए गए हैं 12:17:25 उसी में हम x लगाकर और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लेंगे। जैसे कि हमारा पहला अनुपात 12 है तो हम पहली भुजा को 12x मान लेंगे, इसी तरह से दूसरा अनुपात 17 है तो दूसरी भुजा को हम 17x मान लेंगे, और तीसरा अनुपात 25 है तो तीसरी भुजा को हम 25x मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो उन अनुपातों के साथ आप x लगाकर और त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 12x, 17x और 25x इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लिया है। अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमने यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाओं को माना है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब देखिए हमने क्या क्या माना है उनको यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहली भुजा को हमने 12x माना है, इसको हम a से दिखा देते हैं, तो ये हमारा कितना है 12x। इसी तरह से दूसरी भुजा को 17x माना है, इसको हम b मान लेते हैं, तो ये हमारा 17x है, इसको यहाँ पर लिख लिया। और तीसरी भुजा को हम c कह देते हैं, ये हमारा कितना है 25x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो इसको यहाँ पर अब हम लिखेंगे। परिमाप हमें कितना दिया गया है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, परिमाप हमारा क्या होगा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होगा, है ना। क्योंकि परिमाप क्या होता है किसी भी आकृति का, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो इसलिए हम परिमाप की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 12x प्लस 17x प्लस 25x, ठीक है, और बराबर में क्या होगा हमारा 540। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 12x प्लस 17x प्लस 25x तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54x, बराबर में कितना है हमारा 540। तो यहाँ से सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 540, ये गुणा में है 54, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब हम 54 से 540 में भाग देंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया हमारा 10, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमारा आ गया x का मान। अब जो यहाँ पर हमने a, b और c यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को माना है, अब हम इनका मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारी तीनों भुजाएं आएंगी वो क्या क्या आएंगी। तो पहली भुजा को हमने a कहा है तो ये हमारा यहाँ पर a हो जाएगा, ये हमारा 12x है तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 12 गुणा एक्स का मान कितना है 10, तो ये कितना आ गया 12:120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हमारा b है और b कितना है 17x, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 17x, और ये देखिए 17 गुणा एक्स का मान कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10, तो 17:170 सेंटीमीटर, ये आगे दूसरी भुजा। और तीसरी भुजा हमारा c है जो कि कितना है 25x, तो ये हमारा 25 गुणा 10 हो जाएगा जो कि कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो इस तरह से हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकाल लिया है, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें एस का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो देखिए अर्ध परिमाप यानी कि S हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे कि परिमाप में दो से भाग देंगे। वैसे तो हमारा S का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे में दो। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि जब हमें परिमाप दिया गया हो तो हम परिमाप में दो से भाग दे देते हैं। तो देखिए हमें परिमाप कितना दिया गया है, 540 और बटे में 2 हो जाएगा, तो हमारा S का मान कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा S का मान 270। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे इस सूत्र में। तो यहाँ पर देखिए हमारा एस का मान कितना आया है, 270। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 270 ब्रैकेट में एस का मान है 270 माइनस ए का मान कितना है हमारा, 120। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमारा एस माइनस बी है और एस का मान कितना है, 270 माइनस बी का मान कितना है, ये देखिए हमारा 170 है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा और इसके बाद हमारा तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी है, यानी कि एस का मान हो जाएगा 270 माइनस सी का मान हो जाएगा हमारा 250। तो ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम इसको आगे कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, यहाँ पर 270 है, तो 270 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट में ये देखिए 270 माइनस 120, तो 270 में से 120 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 150। इसके बाद देखिए यहाँ पर 270 माइनस 170 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100, और तीसरे ब्रैकेट में 270 माइनस 250 है, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं अब कि इनमें से हम गुणनखंड बनाते हैं सभी का और जोड़े बनाकर हम वर्गमूल से बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस किस का जोड़ा बनेगा और हम किन किन को बाहर निकाल पाएंगे वर्गमूल के, वो हम यहाँ पर करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 270 है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम 3 × 3 × 30 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 = 9 और 9 को 30 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा। ये हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारा जोड़ा बन जाए और हम इनको वर्गमूल के बाहर लिख सके। ठीक है, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर हमारा 150 है, तो 150 को हम किस तरह से लिख पाएंगे, इसको हम यहाँ पर 30 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला है 100, और 100 को हम यहाँ पर 5 × 20 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 100 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 20 हमारा है तो 20 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जिस जिसका जोड़ा बनेगा उनको हम वर्गमूल से बाहर लिख लेंगे। तो ये हमारा 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसको हम एक बार लिख लेंगे। इसके अलावा ये 30 का भी एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। और इसके अलावा 5 का भी जोड़ा बन रहा है, इसको भी हम एक बार लिखेंगे। और 20 का भी जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इनका गुणा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा 20 का 5 से गुणा करेंगे, 20 × 5 = 100 हो जाएगा। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300, और 300 को हम 30 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9000। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमें परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया गया था, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न में 5 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।